મેદાન ઉપર અત્યારે આપણે એક ખૂબ જ સુંદર મેચના સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છીએ.
હાલો હાલો એક બાર ઉપસ્થિત સભી મહાનુભાવો, ક્રિકેટ કે રાજકુમારો કો, ભારત વિકાસ પરિષદ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ પ્રાંત આયોજિત ડેનિશ ટેનિસ ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ મેં હાર્દિક સ્વાગત એવં અભિવાદન. अगर इस टूर्नामेंट की जो बात करें तो कुल मिलाकर जो 8 टीमों ने जो दावेदारी पेश की थी और जिनमें दोनों सक्षम टीम वैसी पोरबंदर शाखा 11 और जामनगर शाखा 11 यानी बाहर गांव की टीम जो खेलेगी राजकोट की सरजमी के ऊपर फाइनल संग बार बार ओवर के जो जंग रहेंगे जिनमें दो गेंदबाज ही तीन तीन ओवर डालेंगे और बाकी के सभी गेंदबाज जो ज्यादा से ज्यादा दो ओवर डाल सकेंगे. कुल मिलाकर 50 मिनटों के अंदर पारी के 12 ओवर जो खत्म करने होंगे. अंपायर को भी ये निवेदन है, अंपायर जीत जोशी और धवल जोशी. अंपायर के ऊपर जिनकी जो अंपायरिंग की सेवाएं रही है, स्कोरिंग की भी जो सेवाएं रही यहां पर. और अंपायर से निवेदन है कि पारी के 12 ओवर 50 मिनटों के अंदर खत्म करने होगी. फील्डिंग टीम से ये निवेदन है, 7 बजे जो शुरू होने को जा रहा है मैच यहां पर. गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज तैयार, सलामी जोड़ी भी तैयार, यहाँ पर फील्डिंग टीम तैयार, अंपायर तैयार, स्कोरर भी तैयार और हमारी जनता भी जो तैयार है. बिल्कुल खचाखच भरा हुआ ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड. पहली गेंद यहाँ पर, पहली गेंद को जो जाने दिया बल्लेबाज ने. जामनगर 11 की जो बात करें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया था. इस बीच गेंद को खेला है, गेंद जाती हुई यहां पर सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा था और गेंद जब तक कि फील्डर पहुंचे मगर उनसे पहले सीमा रेखा का रास्ता तय किया और 4 रनों का जो संकेत मिला. सलामी जोड़ी के ऊपर राज और दीप आए है और गेंदबाजी के ऊपर अभिषेक जोशी को जो लगाया गया है. अगर दीप की जो बात करें तो पिछले मैच के ऊपर जिनके द्वारा जो अच्छी बल्लेबाजी रही थी और अच्छी विकेट कीपिंग भी रही थी जिनके द्वारा. फील्डिंग की सजावट जमावट के साथ गेंदबाज फिर से तैयार. अगली गेंद मान दिया, सम्मान दिया, रन का कोई मौका नहीं बना यहां पर. सभी मैच जो आज के 6 मैच जो 10-10 ओवर के रहे और इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच जो 12 ओवर का रहा. अगली गेंद हवा में खेला हुआ शॉर्ट गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग लेग के ऊपर से और वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड के बाहर. 4 रनों का संकेत मिला हमारे साथी अंपायर की ओर से. छोटे छोटे कदमों के साथ आए, पटकी हुई गेंद थी और गेंद को जो नसीहत दी और 4 रनों का जो संकेत मिला अंपायर की ओर से. 4 रन के साथ जो स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 8 रन के ऊपर. अगली गेंद मान दिया, सम्मान दिया, रन के लिए तब्दील दोनों बल्लेबाज. अच्छी बल्लेबाजी होती हुई दोनों बल्लेबाज के द्वारा. अगर बात करें तो राज और अब बल्लेबाजी के ऊपर आए दीप. राज की बात करें तो 2 बाउंड्री लगाई जिन्होंने और आसानी के साथ एक सिंगल निकाला और स्ट्राइक को जो रोटेट किया. रिवर्स स्ट्रोक के लिए पलटे बल्लेबाज, गेंद जाती हुई
डीप कवर के ऊपर जब तक के फील्डर वहां पर पहुंचे, पहला रन तेजी के साथ और उसी के साथ दूसरा रन, दो रन तेजी के साथ चुराए दोनों बल्लेबाज ने। पहली गेंद के ऊपर जो करारा प्रहार हुआ था यहां पर, प्रयास जरूर हुआ था बड़े शॉट के लिए और इसी के साथ पारी के पहले ओवर की समाप्ति हुई। कुल मिलाकर जो 11 रन बने बिना कोई विकेट के ऊपर। पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 11 रन बने बिना कोई विकेट के ऊपर। अब अगली गेंद के साथ नए गेंदबाज जो तैयार। अतः ही पहली गेंद के ऊपर जो गेंदबाज का स्वागत किया, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा के ऊपर, पहला रन तेजी के साथ, उस बीच जो दूसरा रन का जो मौका नहीं, मगर उनसे पहले गेंद गई सीमा रेखा पर, चार रनों का जो संकेत मिला अंपायर की ओर से। रावल को जो लगाया गया है गेंदबाज के ऊपर अपने कोट का पहला इस इनिंग का जो दूसरा ओवर लेकर, कुल मिलाकर जो तीन ओवर जो पावर प्ले के रूप में रहेंगे, जिनमें दो खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर जो रहेंगे। अगली गेंद हल्के हाथों से मान दिया, सम्मान दिया, रन के लिए तब्दील दोनों बल्लेबाज। आसानी के साथ एक रन चुराया, एक रन के साथ जो 16 रन के ऊपर जो स्कोर की बात करें तो एक सूझबूझ भरी पारी खेलती हुई। पता है कि एक गलती ही जो टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, यानी कि ये जो फाइनल जंग है। रिवर स्ट्रोक के लिए पलटे थे बल्लेबाज, मगर सिर्फ सिंगल ही जो बना यहाँ पे। एक रन के साथ 17 रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर, 17 यानी कि खतरा। अब आने वाली गेंद बताएगी कि किन के ऊपर रहता है खतरा। खतरा टला और स्कोर को जो पहुंचाया आगे 18 रन के ऊपर। धीरे धीरे जो ठंडी ठंडी हवा जो शुरू हो चुकी है। रिवर्स स्ट्रोक के लिए पलटे बल्लेबाज, यहां से वहां और वहां से यहां, जो अपने पैर को जो घुमाया और गेंद को भेजा जो 6 रनों की ओर, और 6 रन के साथ जो स्कोर को भी जो आगे पहुंचाया जो 24 रन के ऊपर। बल्ले से टकराई थी गेंद, मानो जो 6 रन की मोहर लग चुकी हो, और 6 रन के साथ जो स्कोर को भी जो आगे पहुंचाया जो 24 रन के ऊपर। गेंदबाज के ऊपर जो गेंदबाज रावल को जो लगाया गया है, 11 गेंदों के ऊपर 24 रन की जो साझेदारी बनी है अब तक पहले विकेट के लिए। 12-12 ओवर के जो जंग रहेंगे। इस बीच रिवर्स स्ट्रोक के लिए फील्ड से पलटे बल्लेबाज, यहां पर शॉर्ट थर्ड में रन के ऊपर फील्डर तैनात थे, रन का कोई मौका नहीं बना। इसके साथ पारी के 2 ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर के बाद जो 24 रन बने बिना कोई विकेट के ऊपर। गेंदबाज के ऊपर फिर से गेंदबाज अभिषेक को जो लगाया गया है यहाँ पर अपने कोट का दूसरा और इस इनिंग का तीसरा और पावर प्ले का जो आखिरी ओवर लेकर। सौराष्ट्र कच्छ प्रांत रीजनल सेक्रेटरी श्री विनोद भाई लाठिया, जिनकी ओर से जो पूरी टूर्नामेंट के ऊपर जितनी भी ट्रॉफी दी जाएंगी उनके दाता है, उनके साथ साथ सौराष्ट्र कच्छ प्रांत अध्यक्ष प्रफुल गिरी गोस्वामी, जो हर एक खिलाड़ी को जो टूर्नामेंट की यादगिरी के रूप में
एक बैग दिया जाएगा जिन कस्तों, और साथ ही साथ जो भोजन की व्यवस्था रखी गई थी जिनके दाता है वैसे मौड़ी इस शाखा, जिनका भी शुक्रिया अदा है यहाँ पे। और हमारे बीच थोड़ी देर पहले जो खास आयोजक कमेटी के आमंत्रित को स्वीकार करते हुए उपस्थित थे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथेरिया सर, उनके साथ साथ विनोद भाई काछड़िया भी जो उपस्थित थे, और विनोद भाई लाठिया भी जो खास उपस्थित थे, जो अपना कीमती वक्त निकालकर जो खास यहां पर उपस्थित थे। अगर चलते हैं मैच की ओर तो 27 रन के ऊपर जो रुका हुआ स्कोर, इस ओवर की बात करें तो अभी तक जो अच्छी गेंदबाजी होने को जा रही है। इस बीच लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद वाइड का संकेत रहा अंपायर की ओर से, और एक्स्ट्रा के साथ एक रन बना। अभी गेंद रिवर्स स्ट्रोक के लिए पलटे बल्लेबाज और गेंद को भेजा यहां पर सीमा रेखा पार, और 6 रनों का जो संकेत मिला अंपायर के दोनों हाथ आसमान की ओर जो बुलंद हुई। सीधे हाथों से डाली हुई गेंद थी, उल्टा बल्ला घुमाया और गेंद को भेजा डीप पॉइंट के ऊपर से, और 6 रनों का संकेत मिला अंपायर की ओर से। 6 रन के साथ जो स्कोर भी उछलता कूदता आगे भागता हुआ 34 रन के ऊपर। फिर से वही अंदाज के साथ खेलने का प्रयास था, तेजी के साथ गेंद निकली और विकेट कीपर के दस्तानों के ऊपर रही, और इसी के साथ पारी के 3 ओवर की बाद जो 34 रन बने। पारी की 3 पावर प्ले के महत्वपूर्ण ओवर जो खत्म हुए, और 3 ओवर के बाद जो 34 रन बने। और अब चौथे ओवर का खेल लेकर जो गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज वीर को जो लगाया गया है, खेलने का प्रयास था यहाँ पर, और शरीर से टकराई गेंद, रन का कोई मौका नहीं बना। और उपस्थित मेहमान की जो बात करें तो प्रफुल्ल भाई गोस्वामी, विनोद भाई लाठिया, जटसूर भाई गुजरिया, करसन भाई मेहता, रमेश भाई दत्ता, रमेश भाई लाठिया, डीवीएस भाई सतासिया, एसएस गोसाई, चेतन भाई टांक, किरीट सिंह वाड़ा, निशांत भाई टिटिया, विशाल भाई मेहता, रमेश भाई पंचासरा, कमलेश भाई खोखरी, उनके साथ नीलेश भाई, अश्विन भाई कातरोटिया, गोर्धन भाई भंडेरी, मनोज भाई शोभाया, नितिन भाई कातरोटिया, जेके मोरिद्रा और जेके अमृतिया जो आयोजक कमेटी के आमंत्रित को स्वीकार करते हुए यहाँ पर जो उपस्थित थे, और साथ ही साथ किरीट भाई मयड़ भी जो उपस्थित थे, जिनका भी जो टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है। राजकोट की अलग अलग शाखा से जो सभी यहां पर उपस्थित थे, राजकोट के साथ साथ बारगांव के शाखा के भी कई अध्यक्ष, कई मंत्री जो अपना कीमती वक्त निकालकर यहां पर उपस्थित रहे थे। इस बीच लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद वाइड का संकेत रहा अंपायर की ओर से, और एक्स्ट्रा के साथ और एक रन बना। चौथे ओवर का जो जंग जारी है, 42 रन बने हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर।
आखिरी गेंद के साथ क्रोधलाइन खेलने का प्रयास हुआ था। यहाँ पर शॉर्ट कवर के ऊपर फील्डर तैनात थे और सिर्फ एक रन का मौका बना। इसी के साथ चार ओवर की समाप्ति हुई, 43 रन बने और बिना कोई विकेट के ऊपर। और साथ ही साथ मेहनत रही जिनकी बात करें तो चिराग भाई, जिनकी भी जो मेहनत रही इस टूर्नामेंट के ऊपर। इस बीच हवा में खेला हुआ शॉट, गेंद की आवाज जरूर दी थी मगर वहां पर फील्डर जब तक की पहुंचे मगर उनसे पहले गेंद ने सीमा रेखा का रास्ता तय किया वन बाउंस होकर और चार रन के साथ 47 रन के ऊपर। पटकी हुई गेंद को पुल के अंदाज में खेला है और गेंद को भेजा डीप मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर। आगे गए पीछे गए, स्टॉक को फिर से मोड़ा है बल्लेबाज ने और गेंद जाती हुई डिप कर लेग रीजन के ऊपर से नहीं मगर इस बीच लॉन्ग लेग रीजन के ऊपर से गेंद को भेजा ग्राउंड के हर एक कोने के ऊपर। जो बल्लेबाज की जो आवाज आती है कि हर एक गेंद को जो मैं कहीं पर भी खेल सकता हूं और इस 6 रन के साथ यहाँ पर पोरबंदर 11 का स्कोर जो 50 के आंकड़े को पार करता हुआ 53 रन के ऊपर। फिर से खेलने का प्रयास हुआ था, शरीर से टकराई गेंद ही या बल्ले से टकराई है, या बल्ले से टकराई थी गेंद और रन के लिए जो तब्दील हुए 54 रन के ऊपर स्कोर। बल्लेबाज राज और दीप की जोड़ी जो बिल्कुल क्रीज के ऊपर। जामनगर 11 जिनकी बात करें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला किया था जिन्होंने। आगे निकले थे स्टैंडर्ड ऑफ के अलावा शॉट देखा जाए तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के फील्डर को हिलने का भी जो मौका नहीं बना और गेंद ने सीमा रेखा का रास्ता एक बार फिर से तय किया और चार रनों का संकेत मिला अंपायर की ओर से। चार रन के साथ 58 रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर। मानो रन बन नहीं रहे मगर बरस रहे है, एक तरफ है कुआ तो एक तरफ है खाई, एक तरफ है राज और एक तरफ है दीप। दोनों की बात करें तो दोनों ने 14-14 गेंदे खेली है और राज ने बनाए है 26 रन और दीप ने बनाए 29 रन। 3 सिक्सर जरूर लगाए दीप ने। अब गेंदबाज जो क्या करे यहाँ पे, राज और दीप की जोड़ी देखा जाए तो यहाँ पर क्रिस के ऊपर और देखा जाए तो यहाँ पर अर्जुन के गांडी से निकलता हुआ तीर मछली की आंख को जो छेद कर दे वैसी सटीक गेंदबाजी रही गेंदबाज के द्वारा। बिल्कुल देखा जाए तो लेग स्टंप पर लगने वाली गेंद और क्लीन बॉल के रूप में इनिंग को लगने वाला जो ये पहला झटका। बल्लेबाज की बात करें तो राज जिनकी वापसी हुई 15 गेंदों का सामना किया 5 चौके की मदद के साथ 26 रन की जो पारी खेली और पहले विकेट के लिए जो 58 रनों की जो साझेदारी को तोड़ा रावल ने। जब जब जरूरत होती है तब तब जो खड़े होते हैं टीम की ओर से और तब तब जो विकेट भी लेते हैं। अच्छी बल्लेबाजी हुई बल्लेबाज के द्वारा। दोनों बार गांव की टीम जो खेल रही है राजकोट की सरजमी के ऊपर, ऐसा कभी कभार ही जो देखने को मिलता है। पारी के ये 5वें ओवर का जंग जारी है, आखिरी गेंद के साथ गेंदबाज तैयार है, सामना करेंगे नए बल्लेबाज जो क्रीज के ऊपर संजीत जो आए हैं। अगली गेंद मान दिया सन्मान दिया गेंदबाज, गेंद के ऊपर गए जब तक कि फिल्टर फिल कर रहे थे जी के साथ रन के लिए तब्दील दोनों बल्लेबाज और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के 5 ओवर के बाद 59 रन बने और 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। हमारे मित्र वैसे अश्विन भाई काथरोटिया जो दिख नहीं रहे यहाँ पर ही है जी हाँ, जो सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे। आपके फिटनेस का राज बताइए हमें। छठे ओवर का जो जंग शुरू हुआ है और ये ओवर के बाद जो अब देखा जाए तो जो एंड चेंज होगा
60 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर, बैल के ऊपर दीप हवा में खेला हुआ शॉर्ट फील्डर देते नीच के, मगर देखा जाए तो जो नाकामयाब रहे फील्डर और गेंद ने सीमा रेखा का रास्ता तय किया, आज 6 रनों का संकेत। राउंड द विकेट से गेंदबाज सीधे बल्ले के साथ क्रॉस द लाइन गेंद को खेला और मिड विकेट क्षेत्र के फील्डर बने दर्शक और 6 रनों का संकेत। 6 रन के साथ जो स्कोर भी जो 6 कदम दूर जाता हुआ 66 रनों के ऊपर। हमारे लाइट मैन बिल्कुल मनवीर भाई जो बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। अब आखिरी गेंद के साथ जो देखा जाए तो गेंदबाज तैयार होंगे। सिक्सर जरूर लगाया था 74 रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर, बल्लेबाज 42 रन के ऊपर जो खेल रहे हैं 17 गेंदों के ऊपर दीप। आखिरी गेंद के साथ गेंदबाज खेलने का प्रयास तेजी के साथ, जो आई हुई गेंद यहां पर जो विकेट कीपर चुके और देखा जाए तो शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर भी चुके और गेंद ने सीमा रेखा का रास्ता तय किया और 4 रनों का जो संकेत मिला। इसके साथ पारी के 6 ओवर के बाद 78 रन बने और 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब जो एंड चेंज होगा
हेलो हेलो एक बार फिर से जो बीच ग्राउंड के ऊपर चलते हैं यहाँ पर। अगर दीप की बात करें तो जिन्होंने 20 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर 2 चौके की मदद के साथ अपना अर्धशतक जो पूरा कर लिया। इस बीच और एक हवाई फायर किया यहाँ पर, दिन तो दिन मगर रात को भी जो गेंद दिख रही है बिल्कुल फुटबॉल की तरह। छह रन के साथ गेंद को भी जो खो दिया यहां पर बल्लेबाज ने। इसमें जाके गए पीछे के स्टॉक को मुड़ा, यहां पर देखा जाए तो फील्डर तैनात थे मगर उनके सर के ऊपर से गेंद गई वन बाउंस सीमा रेखा के पार। शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जो फील्डर थे मगर डीप फाइन लेग के ऊपर कोई फील्डर तैनात नहीं थे। टिप्पा पड़ने के बाद जरूर उछली थी गेंद और गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, कम से कम ताकत और ज्यादा से ज्यादा जो परिणाम मिला 4 रन। इस बीच फिर से रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, तेजी के साथ गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों के ऊपर रही और इसके साथ पारी के 7 ओवर के बाद 95 रन बने और 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर दूसरे विकेट के लिए साझेदारी की जो बात करें तो 13 गेंदों के ऊपर 37 रन की जो साझेदारी बन गई है। सात ओवर के बाद 95 रन, 8वें ओवर का जो खेल कर गेंदबाज तैयार। विरल को जो लगाया गया है गेंदबाजी के ऊपर, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद हल्के हाथों से गेंद को कट किया यहां पर और 1 रन के लिए जो तब्दील दोनों बल्लेबाज। और अब बल्लेबाजी के ऊपर फिर से गब्बर जो बल्लेबाज तैयार दीप। रिवर्स टॉक के लिए पलटा बल्लेबाज और गेंद ने देखा जाए तो जो एक बार फिर से सीमा रेखा का रास्ता तय किया यहां पे। 103 रन के ऊपर जो स्कोर को पहुंचाया है बल्लेबाज ने, विस्फोटक बल्लेबाजी होती हुई यहां पर दीप के द्वारा। 24 गेंदों के ऊपर 68 रन की जो एक अच्छी और विस्फोटक बल्लेबाजी होती हुई जिनके द्वारा। सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा है यहाँ पर, वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं और गेंद ने एक बार फिर से सीमा रेखा का रास्ता तय किया है। मानो गेंदबाज के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो। और अगर दीप की जो बात करें तो हाल ही में जो पोरबंदर में जो एक बड़ी टूर्नामेंट जो हुई थी आरा कप जिसमें भी जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी वहां पर भी जिन्होंने 47 गेंदों के ऊपर 4 6 8 88 रन की जो एक नॉट आउट पारी खेली थी। यानी कि इस ग्राउंड के ऊपर नहीं, सौराष्ट्र के कोई भी ग्राउंड हो वहां पर जिनकी दावेदारी जो रहती है की बात करें तो एक बल्लेबाज राजदीप सिंह चावड़ा जिन्होंने 80 रन बनाए थे और उनका स्कोर जो तोड़ते हुए अगर बल्लेबाज की जो बात करें तो दीप। और उस मैच के ऊपर जो हाई स्कोर रहा था 10 ओवर में 151 रन बनाए थे श्रद्धा पार्क शाखा 11 की टीम ने। हमारे लाइटमैन वैसे मनवीर भाई बिल्कुल यहाँ पर हर दिन उपस्थित रहते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर फिर से गेंद गई सीमा रेखा पार यहाँ पे।
हरेक गेंद के ऊपर जो करारा प्रहार कर ले। अगर बल्लेबाज की बात करें तो दीप, जिन्होंने अब तक 10 सिक्सर लगा चुके हैं और 5 चौके की मदद आता 29 गेंद खेली है जिन्होंने और 89 रन जो बनाए हैं अब तक, यानी कि एक लंबा स्कोर खड़ा करने का प्रयास है। रिवर्स्ट्रोक के लिए पलटे बल्लेबाज, गेंद जाती हुई यहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, फील्डर पैरों के साथ गेंद को जो फील किया पहला रन तेजी के साथ और उस बीच दूसरा रन का जो मौका नहीं बना यहां पे, अगर पहले लेते तो शायद जो दूसरा रन बन जाता, मगर एक रन के साथ जो बदलते हुए स्कोर के साथ बदलता हुआ स्कोर अब जाकर 125 रन के ऊपर। और देखा जाए तो हेलीकॉप्टर अंदाज के साथ गेंद को खेला है, ऊंची तो गई है और देखा जाए तो दूर कितनी गई है, अंपायर के दोनों हाथ आसमान की ओर बुलंद हुए, उतनी दूर गई है और 6 रन देकर गई है और स्कोर को भी 131 रन के पार जो पहुंचाया है यहां पर बल्लेबाज ने। एक तरफ जो बल्लेबाज दीप जो लगातार रन बना रहे तो अब देखा जाए तो संजीत जिनके बल्ले से भी जो सिक्सर लगा, फिर से हेलीकॉप्टर अंदाज के साथ गेंद को खेला, हवा में खेला हुआ शॉट, उनके नीचे फील्डर तैनात दे और कैच जो ड्रॉप हुआ है, पहले ऐसा लगे कि शायद कैच लपक लेंगे, एक रन के साथ 132 रन और अब बल्लेबाजी के ऊपर जो फिर से दीप जो तैयार है 30 गेंदों के ऊपर 909 रन बनाकर जो खेल रहे हैं 19 रन के ऊपर। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को मोड़ा है यहां पर और गेंद जाती हुई फिर से सीमा रेखा के पार, अंपायर की भी जो कसरत शुरू हो चुकी है, पहले मैच के ऊपर भी जो कसरत रही थी और इस मैच के ऊपर भी जो हमारे अंपायर भी जो काफी व्यस्त थे, यहां पे पहले मैच के ऊपर जो राजदीप सिंह थे और इस मैच के ऊपर जो दीप है, जो राज आउट होकर जो पवेलियन में वापस लौट चुके हैं 94 रन के ऊपर बल्लेबाज। और इसी के साथ यहां पर इस टूर्नामेंट का जो पहला शतक बना है बल्लेबाज दीप के द्वारा। और हमारे ग्राउंड में बिल्कुल यहां पर उपस्थित है वो भी बता रहे हैं कि इस ग्राउंड के ऊपर जो पहला शतक लगा है सोने की कलम के साथ ही यहां पर जिनका नाम दर्ज होगा हमारे साथी बता रहे हैं, दीप लोधारी 32 गेंदों के ऊपर 11 सिक्सर 6 चौके और 100 रन। इस बीच गेंद को खेला यहां पर शॉट फाइनल के ऊपर, फिल्टर तैनात है तेजी के साथ, रन लेने का जो मौका नहीं यहां पर, सही समय पर जो नो स्ट्राइकर के बल्लेबाज जो वापस आए अपने पैर खींचे वापस यहां पर और इस टूर्नामेंट का स्कोर है 151 रन। रवि भी 4 गेंद आना शेष 143 रन बने है, लेफ्ट किया है और गेंद जाती हुई वन बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, 4 रनों का एक बार फिर से अंपायर की ओर से जो संकेत मिलता हुआ, सदा पार्क शाखा जिनकी ओर से 151 रन जो बने थे और 147 रन जो बन गए हैं पोरबंदर 11 की जो बात करें तो। हवा में खेला हुआ शॉट, उनके नीचे फील्डर तैनात है और फील्डर जो चुके पहला रन तेजी के साथ और उसके साथ दूसरे रन के लिए तब्दील हुए, अच्छा थ्रो रहा मगर उनसे भी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, जैसे कन्हैया मटकी में से माखन चुराता है वैसे ही तेजी के साथ रन के लिए जो तब्दील दोनों बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। गेंदबाजी के ऊपर जो गेंदबाज की बात करें तो अभिषेक है, अभी तक जिन्होंने 28 रन जो खर्च किए हैं एक भी सफलता जिनके हाथ नहीं लगी,
इत्यादि लोगों क्षेत्र के ऊपर फील्डर तैनात है और एक रन के साथ 150 रन यहां पर पोरबंदर 11 के। इस बीच सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है यहां पर फील्डर तैनात और एक रन का जो मौका बना यहां पर और एक रन के साथ पारी के कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति हुई। 10 ओवर के बाद 151 रन बने और एक विकेट के नुकसान के ऊपर। दस ओवर के बाद 151 रन और देखा जाए तो पहली गेंद के ऊपर जो गेंदबाज का स्वागत हुआ यहां पर ऊपर जो गेंदबाज का स्वागत किया। अगर बल्लेबाज की बात करें तो संजीत जिन के द्वारा ऑफ स्टंप के ऊपर जो गेंद मिली बल्ले से रन नहीं बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज ने जो एक्स्ट्रा के साथ रन गवा दिए। 158 रन और देखा जाए तो खेलने का प्रयास, शरीर से टकराई गेंद, रन का कोई मौका नहीं। अगर साझेदारी की जो बात करें तो हमारे साथी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो यूटी लाइव के ऑपरेटर है जो बता रहे कि 32 गेंदों के ऊपर 100 रन की जो साझेदारी बनी है। उम्मीद जो बिल्कुल अपनी कमान संभालते हुए सुबह से यहां पर जो बैठे हैं और इसी के साथ बातों ही बातों में जो 100 रन की साझेदारी को जो तोड़ा यहां पर मयंक ने आकर। इनके बल्ले से जो टकराती है गेंद तो जो मानो 6 रन की ओर जो प्रहार लगता है वैसे ही जो गेंद निकलती है और हर एक गेंद के ऊपर जो करारा प्रहार, फिर से जो 6 रनों का संकेत मिला। बल्ले से टकराती है गेंद और देखा जाए जो पोरबंदर में भी जो आवाज सुनाई देती है 172 रन जो स्कोरबोर्ड के ऊपर और सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला फील्डर तैनात और वन बाउंस सीमा रेखा के पार गेंद को पहुंचाया और इसी के साथ पारी के कुल मिलाकर जो 11 ओवर की समाप्ति हुई 176 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
द्वारा। पारस का जो विकेट गिरा है और इसी के साथ पारी के 12 ओवर की समाप्ति। 12 ओवर के बाद 197 रन बने हैं। क्रिकेट जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, 6 गेंद के ऊपर 6 सिक्सर लगे हैं तो 6 गेंद के ऊपर एक भी रन नहीं बना, वैसा भी जो रिकॉर्ड है क्रिकेट के ऊपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी जरूरी है। कभी भी पासा पलट सकता है कुदरत, कभी भी जो खेल पलट सकता है यहाँ पर।
भाईचारे के साथ सुबह में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी दीप प्रगति के साथ, कहा गया था कि भाईचारे के साथ टूर्नामेंट होगी, तो जब देखा जाए तो ये फाइनल जंग जो शुरू हुआ है यहाँ पर। हार और जीत जो टूर्नामेंट का एक हिस्सा होता है, मगर भाईचारा से साथ खेलना है वो भी अलग हिस्सा होता है। एक टीम हारती है तो दूसरी टीम सीखती है, वैसा कर्तव्य करना होगा तब जाकर जो आपका नाम बड़ा होगा। और कहा जाता है ना कि भले ही आप जीते हो मगर हम हारे हैं और आपसे ज्यादा हमारे चर्चे मार्केट में ज्यादा है। अगर बल्लेबाजी वाली टीम जो जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजेंगे और सिर्फ 198 रनों का लक्ष्य है, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट जीत कितनी होगी हमारे साथी जीत? जीत आपका क्या ख्याल है कि ये रन बन पाएंगे या नहीं? जीत से दो शब्द जरूर सुनेंगे हम। जीत जो थक गए हैं यहाँ पे, धवल भी जो थक गए यहाँ पर, सुबह से जो अंपायरिंग की सेवाएं फ्री में प्रदान करते हुए यहाँ पर अंपायर स्कोरर और कमेंटेटर ये तीन जीवंत कड़ी है क्रिकेट की, और अब देखा जाए तो जो चार जीवंत कड़ी हो चुकी है, YouTube लाइव भी होना जरूरी है। सलामी जोड़ी जो क्रिस के ऊपर पहुंच गई, सलामी अंपायर भी जो बिल्कुल क्रिस के ऊपर पहुंच गए हैं।
स्मोकिंग या टोबैको चबाना आप छोड़ सकते हो, बस चाहिए तो थोड़ी सी विल पावर और टोबैको ने इंडिया फर्स्ट निकोटीन ट्रांस। के ये पहले ओवर का जंग जारी है और कुल मिलाकर रनों की जो बात करें तो 2 रन बने हैं और 1 विकेट भी जो गिरा है। एक कमान संभाली थी अगर पोरबंदर की जो बात करें तो दीप की ओर से, वैसे ही कमान संभालनी होगी कि मैं टीम को संभाल लूंगा वैसे जामनगर 11 के द्वारा। ऐसा पहली बार हुआ है कि बारगांव की टीम जो खेल रही है राजकोट की सरजमी के ऊपर फाइनल जंग। गेंदबाज के ऊपर गेंदबाज कल्पेश को जो लगाया गया है, अब आखिरी गेंद के साथ गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज के ऊपर वीर जो तैयार खेलने का प्रयास था। टिप्पा पड़ने के बाद घूमी गेंद और पारी के पहले ओवर की समाप्ति हुई। सौराष्ट्र कच्छ प्रांत रीजनल सेक्रेटरी श्री विनोद भाई लाठिया जिनकी ओर से टूर्नामेंट की हर एक ट्रॉफी जो दी जा रही है और सौराष्ट्र कच्छ प्रांत अध्यक्ष प्रफुल्ल गिरी गोस्वामी उनकी ओर से हर एक खिलाड़ी को जो टूर्नामेंट की यादगिरी के रूप में बैग दिया जा रहा है और भोजन की जो व्यवस्था रही थी जिनके दाता जो बात करें तो मवड़ी शाखा जिनकी ओर से जो सेवाएं प्रदान हुई थी। और बात करें तो यहां पर अब दूसरे ओवर का जो खेल शुरू होने को जा रहा है। करसन भाई मेहता जो उपस्थित है यहाँ पर वीआईपी डैश के ऊपर उपस्थित होंगे जिनका भी जो स्वागत है, वो आए वहां पर ही बैठ गए जो दीप की बल्लेबाजी देखने के लिए। एक भी जगह जो खाली नहीं यहाँ पर, और इस मैच की जो ब्लैक में भी टिकटें नहीं मिल रही है चिराग भाई जो बताते हुए। आखी टूर्नामेंट ने रंगबेरंगी बनाई दीधी है। जीतभाई जोशी और धवलभाई जोशी ना सुंदर मजाना अंपायरिंग थी निर्विवादित आखी टूर्नामेंट अत्यारे पूर्ण थवा जई रही है। आ तमाम भाईओ आपनो खूब खूब आभार, भारत विकास परिषद माने छे। खूब खूब धन्यवाद चिराग भाई अमारी टीम वती તમે અમને બોલાવ્યા એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। इस बीच देखा जाए तो यहां पर दोनों बल्लेबाज की जो बात करें तो अभिषेक और वीर की जोड़ी जो बीच ग्राउंड के ऊपर जो बड़े से बड़ा लक्ष्य
197 लक्ष का जो पीछा करने उतरी है जो जामनगर 11 की टीम। नहीं है दूसरा हिंदू बीच हल्के हाथों से गेंद को खेला यहां पर और एक रन के लिए तब्दील। मगर लंबे और करारे स्ट्रोक जो खेलने होंगे, एक एक दो दो रन से जो काम नहीं बनेगा। अगर इस मैच को जीतना है तो एक अच्छी साझेदारी जो बनानी जरूरी है। हवा में खेला हुआ शॉट, यहाँ पर फील्डर उनके नीचे तैनात और देखा जाए तो दोनों फील्डर देखते ही रह गए और आने वाला वक्त बताएगा कि यह कैच कितना महंगा पड़ सकता है। स्कोर की ही जो बात करें तो 3 के स्कोरबोर्ड के ऊपर 111 यानी कि 11 रन बने और एक विकेट गिरा है। 111 रन नहीं, सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा है यहाँ पर और देखा जाए तो चुस्ती दिखाते हुए जो फील्डर मिड ऑफ क्षेत्र के ऊपर से गए, मिड ऑफ क्षेत्र के ऊपर जो गेंद को रोकने के लिए। इस बीच यहाँ पर जो फंबल हुए फील्डर हेड विकेट के रूप में जो विकेट गिरा है यहाँ पर। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें
और देखा जाए तो यहाँ पर अब अंपायर के ऊपर भी जो खतरे का माहौल है, और अंपायर की बात करें तो ये मैच के ऊपर जिनको सचोट रहना है। यहाँ पर आगे निकले थे हवा में खिलावा शॉर्ट फील्डर थे यहाँ पर, और देखा जाए तो पहले बल्ले के साथ खिलवाड़ किया और अब देखा जाए तो फील्ड के ऊपर जो खिलवाड़ किया यहाँ पर। यहाँ पर और एक विकेट जो गिरता हुआ है,
हेलो नमस्कार छेला एक महीना थी भारत विकास परिषद सौराष्ट्र कच्छ प्रांत द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट नी तैयारी चालती थी अने ए आजे आ दिवस आजे पूरो थई रह्यो छे। तो हवे इनाम वितरण सेरेमनी में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। बन्ने टीमों आवी जाए फाइनलिस्ट टीमों अहींया पोतानुं स्थान ग्रहण करशे अने भारत विकास परिषदना अधिकारी पण अहींया पोतानुं स्थान ग्रहण करशे। खुर्शीओ राखेली छे, आप नीचे बेसी शकशो बराबर। चलो आवी जाओ जामनगर शाखा। हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। भारत विकास परिषद सौराष्ट्र कच्छ प्रांत द्वारा मौड़ी शाखाना यजमान पद हेठळ आजे सुंदर मजानी क्रिकेट टूर्नामेंट पूर्ण थई। तो सौथी पहेला मौड़ी शाखा वती हूँ भारत विकास परिषद सौराष्ट्र कच्छ प्रांतना युवा संयोजक श्री दिव्येश भाई सतासिया ने विनंती करू के प्रसंगोचित पोतानुं उद्बोधन आपे। दिव्येश भाई नमस्कार। भारत विकास परिषद सौराष्ट्र कच्छ प्रांत ની જે આજે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની જે આયોજન થયું છે તેમાં અમારી મૌડી શાખા યજમાન પદે હતી, ત્યારબાદ અહીં પધારેલ ક્ષેત્રીય ગણમાં ક્ષેત્રીય અધિકારી શ્રી વિનોદભાઈ લાઠિયા, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ પ્રાંત પ્રમુખ પ્રફુલ્લભાઈ ગોસ્વામી, સંગઠન મંત્રી કરશનભાઈ મહેતા, ત્યારબાદ ક્ષેત્રીય અધિકારી જેઠસુભાઈ ગુજરિયા, આનંદનગર શાખાના પ્રમુખ રમેશભાઈ દત્તા, ત્યારબાદ અમારી સંસ્થાના પ્રમુખ રમેશભાઈ લાઠિયા, કારોબારી સભ્ય શ્રી અશ્વિનભાઈ કાથરોટિયા અને ભારત વિકાસ પરિષદના આનંદનગર શાખાના સભ્ય અને કેપ્ટન ચિરાગભાઈ ગોસ્વામીનો આ તકે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। તેના થકી આ ટુર્નામેન્ટ આટલી સરસ મજાની યોજાઈ શકી। માની લો ને કે 10માંથી 8 કામ ચિરાગભાઈ કર્યા છે આમાં આ ટુર્નામેન્ટમાં, અને ગમે ત્યારે ફોન કરો ત્યારે તે હાજર, ગમે ત્યારે ત્યાં ગમે ત્યાં બોલાવો ત્યાં હાજર થઈ જાય। ખૂબ જ કિંમતી સમયનો એમાં આપ્યો છે, એ બદલ એનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અને આવતીકાલ જ આપણે આવી જ ટુર્નામેન્ટ કરશું અને આપ બધા હોંશે હોંશે આમાં ભાગ લેશો તેવી આશા રાખું છું। અસ્તુ, વંદે માતરમ। ખૂબ આભાર। હવે હું અમ્પાયરોને વિનંતી કરું કે બેસ્ટ બેટ્સમેનનું લિસ્ટ જો બની ગયું હોય એપ્લિકેશનમાં જ હશે તો બેસ્ટ બેટ્સમેન મેન ઓફ ધી મેચ, સૌપ્રથમ ફાઇનલમાં જે મેન ઓફ ધી મેચ થયેલા છે એ ખેલાડીનું આપણે સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ફાઇનલમાં મેન ઓફ ધી મેચ દીપભાઈ આવી જાઓ, કેટલા રન છે? 44 બોલમાં 142 રન। ખરેખર ઇન્ડિયન ટીમમાં આવા સ્કોર નથી થતો એવો સ્કોર આજે દીપભાઈ મારેલો છે, ખૂબ અભિનંદન દીપભાઈ। હું હું દિવ્યેશભાઈને વિનંતી કરું કે દીપભાઈને મોમેન્ટો આપી સન્માનિત કરશે, સાહેબ બચે તાળીઓથી અભિવાદિત કરશું ભારત વિકાસ પરિષદના આવા હોનહાર સભ્યને કે જેણે આજનો ફાઇનલ રંગ ભરી દીધો। હવે સૌથી પહેલા તો આપણે બંને ટીમોના કેપ્ટનના પોતાના અનુભવો સાંભળવા છે, તો જામનગર શાખાના કેપ્ટન પધારો। જામનગર શાખા સવારથી મહેમાન ગતિ માણે છે અમારી અને ખૂબ મજા આવી તમારી સાથે, હવે આપના અનુભવો શેર કરો। નમસ્કાર સર્વેને, આપણે
બે વખતે પણ ટુર્નામેન્ટમાં અમે ભાગ લીધો હતો અને આ વખતે પણ ભાગ લીધો છે. ગ્રાઉન્ડ વ્યવસ્થા, જમવાની વ્યવસ્થા, નાસ્તાની વ્યવસ્થા, અરેન્જમેન્ટ સરસ હતું અને ઓર્ગેનાઇઝેશન નિયમો જે બધા હતા એ બધું વ્યવસ્થિત બધું હતું. બાકી નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. ખૂબ આભાર. હવે ફાઇનલ વિજેતા ટીમના કેપ્ટન શ્રીને વિનંતી કરું કે અહીંયા પધારો અને આપ આપના અનુભવો શેર કરો અને કંઈ માર્ગદર્શન હોય તો પણ એ પણ આપો. વંદે માતરમ. ભારત વિકાસ પરિષદ ઘણા વર્ષોથી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરે છે. આ વર્ષનું આયોજન ઓલમોસ્ટ છેલ્લા 4 વર્ષથી અમે રમીએ છીએ એમાં સૌથી સારામાં સારું આયોજન આ વર્ષે હતું. અને આયોજન સિવાય ગ્રાઉન્ડ પણ એવું સારું હતું, બધી ફેસિલિટી સારી હતી, જમવાનું સારું હતું, અમ્પાયરિંગની ટોટલી બધી વસ્તુ સારી કરેલ હતી. જે બધા વર્ષો આટલા વર્ષો હું જે રમું છું, જેથી રીતે 4-5 વર્ષે ટુર્નામેન્ટ રમાય છે, એમાં સૌથી સારામાં સારી ટુર્નામેન્ટ આ વર્ષે રમાણી. બરાબર. ને નિર્વિવાદપણે આ ટુર્નામેન્ટ પૂર્ણ કરી બદલ આ આયોજક ટાકાનો આભાર માનું છું. આભાર. ચાલો આશ્રય મૌડી શાખાને જાય છે. તમારા તમારા વખાણ થયા છે કે 4 વર્ષમાં સારામાં સારું આયોજન પોરબંદર શાખાએ કીધેલું છે. ખરેખર અભિનંદન. છેલ્લા 30 દિવસથી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે, ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટને સાકાર કરવા માટે 30 દિવસથી મહેનત ચાલુ છે. લગભગ બધા પોતાના કામ ધંધામાં વ્યસ્ત શેડ્યુલમાં અને એમાંય અત્યારે રામ જન્મ જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં RSSમાં ઘણી જવાબદારીઓ બધી શાખા પાસે હતી, છતાં પણ આ કાર્યક્રમમાં સમય કાઢી અને આયોજન કરવામાં જે બધાએ સાથ સહકાર આપેલો છે એ બદલ મૌડી શાખા વતી બધાને હું આભાર માનું છું. હવે આપણે ઇનામ વિતરણ બાજુ જઈએ. સૌથી પહેલાં તો બેસ્ટ બેટ્સમેન છે આખી ટુર્નામેન્ટમાં, જેણે સૌથી વધુ રન લગાવેલા હોય અને બધા જ મેચમાં જેનું કહેવાય કે ઓલ ઓવર. હવે ક્રિક હીરોઝ એપ્લિકેશન જો હવે એટલું સરસ થઈ ગયું છે સર કે આમાં જ બધું આવી જાય, એટલે કોઈને કાંઈ કહેવાનું જ ન થાય, આમાં બધું ઓટોમેટિક બધું આવી જાય છે. તો બેસ્ટ બેટ્સમેન છે દીપ લોઢારી. ફરીથી પાછા દીપભાઈ 3 મેચમાં 192 રન મારેલા છે. બરાબર. દીપભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તો હું સૌ પ્રથમ વિનંતી કરું છું કિરીટસિંહ વાળા, કિરીટભાઈ મૈયડ, SS ગોસાઈ, ત્રણેય અધિકારીઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. ભારત વિકાસ પરિષદ શાખાના સદસ્યો પણ છે. તો આ દીપભાઈને ઇનામ આપી એમને સન્માનિત કરશે. અને કિરીટભાઈ મૈયડ તો એમની બેટિંગથી પ્રભાવિત થઈ અને એમને 250 રૂપિયા રોકડ પુરસ્કાર પણ આપે છે. તાળીઓથી પણ અભિવાદિત કરશું. દીપભાઈ માટે ફરીથી એકવાર તાળીઓ. દીપભાઈ અહીંયા પધારો. ઓ એમ થોડું હાલે, આટલા રન મારો તો બે શબ્દો તો બોલવા પડે ને. જો દીપભાઈ શબ્દો નથી બોલતા, એ કે મારા બેટ જ બોલે છે. નેક્સ્ટ બેસ્ટ બોલર. બેસ્ટ બોલર છે કલ્પેશ ખેત્રપાલ, પોરબંદર. ફરીથી પાછા 3 મેચમાં 6 વિકેટ કલ્પેશભાઈએ લીધેલી છે અને એમના માટે હું વિનંતી કરું રમેશભાઈ દત્તા સાહેબ અને રમેશભાઈ મૌડી શાખાના અમારા પ્રમુખ. રમેશભાઈ ક્યાં છે? રમેશભાઈ વ્યવસ્થામાં છે, થોડી વાર બોલાવી લ્યો ને, અહીંયા બોલાવી લ્યો. આમાં એક ફોન આવે, કાંઈ વાંધો નહીં. રમેશભાઈ પધારો અને તેમની સાથે પધારો. સવારથી સાંજ સુધી કાથરોટિયા સાહેબ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે. તો એમના હાથે જ આપણે આ બેસ્ટ બોલરને સન્માનિત કરાવીએ, તાળીઓથી અભિવાદન કરશું. હા હાલ્યો સાહેબ.
કાથરોટીયા સાહેબ. મૌડી શાખાના પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ નથી. ઓકે ચાલો, બેસ્ટ ફિલ્ડર નથી ને? ઓકે ઓકે. મેન ઓફ ધી સિરીઝ, મેન ઓફ ધી સિરીઝ જે છે, જેને કહેવાય કે આખી ટુર્નામેન્ટમાં જેને રંગત બિછાવેલી છે, એ પણ દીપભાઈ. પધારો દીપભાઈ, બધા જ ઇનામ લઈ ગયા છે. તો અત્રે હું શાખા, રાજકોટની જેટલી શાખાઓ છે, શ્રદ્ધા પાર્ક શાખા, આનંદનગર શાખા, નટરાજનગર શાખા, તમામના પ્રમુખ મંત્રી અને ખજાનચી જો અધિકારીઓ જે અહીંયા ઉપસ્થિત હોય એ પધારશો. પ્રમુખ મંત્રી અને ખજાનચી અને એની સાથે અયોધ્યા શાખા પણ જોડાશે. આનંદનગર શાખા, શ્રદ્ધા પાર્ક શાખા, પોરબંદર શાખા, અયોધ્યા શાખા, મૌડી શાખા. ભારત માતા કી. હવે રનસપ શાખાને આપણે ઇનામ આપીએ. પહેલાં વિનંતી કરું સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ પ્રાંતના આપણા અધ્યક્ષ પ્રમુખ સાહેબ પ્રફુલભાઈ ગોસ્વામીને વિનંતી કે આ પ્રસંગોચિત બે શબ્દો કહે. ભારત વિકાસ પરિષદ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ પ્રાંત આયોજિત આજની આ ક્રિકેટ સ્પર્ધામાં આપણી વચ્ચે સતત સવારથી ઉપસ્થિત આપણા રિજિયનના જોઈન્ટ જનરલ સેક્રેટરી શ્રી વિનોદભાઈ, આપણા પોરબંદરથી પ્રાંતના ખજાનચી કમલેશભાઈ ખોખરી, એવા જ પ્રાંતના સંગઠન મંત્રી કરશનભાઈ, એવી રીતના રિજિયન સંપર્ક પ્રમુખ શ્રી જેઠસુરભાઈ ગુજરિયા, અને ખાસ કરીને મૌડી શાખાના પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ, જેને આ મેચ માટે સતત મહેનત કરી છે છેલ્લા એક મહિના થયા, એવા ભાઈ શ્રી દિવ્યેશભાઈ અને ચિરાગભાઈ, સમગ્ર મૌડી શાખાની તમામ બહેનો ભાઈઓ અને આખી ટીમ. આમ તો યુવાનોને આપણા સ્વામી વિવેકાનંદજીએ સરસ મજાનું કીધું છે કે મને કોઈપણ મંદિરમાં પૂજા કરતા બાળક કરતાં મેદાનમાં જે બાળક રમતું હશે એ વધારે પ્રિય લાગશે. આપણને તંદુરસ્ત રહેવા માટેની, ખાસ કરીને સ્વામી વિવેકાનંદજીએ ખાસ કીધું છે કે જો તમે તંદુરસ્ત હશો તો જ તમે સારું દેશ માટે પ્રદાન કરી શકશો. તો આવા હેતુથી આપણે સૌ દર વર્ષે યુવાનોને દેશ કામ માટે, રાષ્ટ્રભક્તિ માટે પ્રેરિત કરવા માટે આ મેચનું આયોજન કરીએ છીએ, અને બધી જ શાખાઓએ ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો છે. ત્યારે દરેક શાખામાંથી આવેલ તમામ ખેલાડીઓ અને એમની સાથે આવેલ દરેક એમના શાખાના અધિકારીઓ, ભાઈઓ બહેનો, આ મેચ ખૂબ સરસ રીતે આપ સૌએ સફળતાથી સારી રીતે પાર પાડ્યો છે. ખૂબ સહકારથી આપણે બધા રમ્યા છીએ. ખાસ કરીને રમતની અંદર ખેલદિલી છે એ ખૂબ મહત્ત્વની હોય છે. આ કોઈ હરીફાઈ નથી, પણ આપણે સૌ એકબીજાને બિરદાવવા માટે આવ્યા છે. તો ત્યારે બધાએ, ખાસ કરીને જજ દ્વારા જે કાંઈ નિર્ણયો આપવામાં આવ્યા છે એને શિરોમાન્ય ગણી અને સૌએ ખેલદી પૂર્વક પોતાનું કૌવત દાખવ્યું છે, ત્યારે આ બધાને ખૂબ
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને ખાસ કરીને મહુડી શાખાના તમામ મિત્રો અને બંને યુવાનો બરાબર ચિરાગભાઈ અને દિવ્યેશભાઈ, એમને રાતથી જોયા વગર ખૂબ મહેનત કરી છે. આપણે સૌ એ બંનેને પણ આપણા પ્રાંત વતી રિજિયન વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આભાર માનું છું. સાથે સાથે આ મેચને ખર્ચ માટે પણ જેની જરૂર પડતી હોય છે તો આર્થિક સહયોગ આપનાર રિલાયન્સ કંપની દિવ્યેશભાઈ દ્વારા ખૂબ સહયોગ મળ્યો છે. એવા જ ભાઈ શ્રી વિનોદભાઈ તરફથી પણ ટ્રોફીના તમામ ઇનામો સત્વ ફાઉન્ડેશન તરફથી આપવામાં આવ્યા છે. અન્ય પણ જે કોઈ લોકોએ જાહેરાત આપીને પણ આ કાર્યમાં સહકાર આપ્યો છે એમને પણ હું પ્રાંત વતી બિરદાવું છું અને ધન્યવાદ આપું છું. ફરીથી આપણે સૌ આવતા વર્ષે મળીશું. ફરીથી આપ સૌએ સવારથી સવારના લગભગ 6 વાગ્યાથી મેદાન ઉપર છીએ તો અત્યાર સુધી ખૂબ મહેનત કરી છે. ખાસ કરીને મહેનત આપણે સૌને ન દેખાય એવી મહેનત જે લાઈવ પ્રસારણ થયું, માઇક સાઉન્ડ, ખાસ કરીને જજ જેને નિર્ણાયક તરીકે ફરજ બજાવી છે, આવી તમામ ટીમ અને ખાસ કરીને આપણે બધાને સમય સમયાંતરે સરસ મજાનું ભોજન પીરસ્યું છે એ તમામ લોકોને પણ હું પ્રાંત વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. ફરીથી આપણે સૌ આવતા વર્ષે મળશું. ફરીથી આવતીકાલનો દિવસ આપણા સૌ માટે ખૂબ મહત્ત્વનો છે. આવતીકાલે આપણે સૌ આ વર્ષની બીજી દિવાળી ભવ્યાથી ભવ્ય રીતે આપણે ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે ભારત વિકાસ પરિષદ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ પ્રાંત વતી સૌને આ નવા ઉત્સવ રામ જન્મભૂમિ પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ છે એની પણ શુભકામના પાઠવું છું. અસ્તુ, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય શ્રી રામ. આભાર શ્રી પ્રફુલભાઈ ગોસ્વામી. આપણી વચ્ચે મહુડી શાખા યજમાન શાખાના પ્રમુખ ઉપસ્થિત છે રમેશભાઈ, એમના માટે જોરદાર તાળીઓ. એમના માર્ગદર્શન નીચે આખી ટીમે ખૂબ જબરજસ્ત રીતના કાર્ય કરી અને આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટને યાદગાર બનાવી દીધી છે, આજના દિવસને યાદગાર બનાવી દીધો છે. આપણી વચ્ચે રમેશભાઈ, તમારું 2-3 વાર ઉલ્લેખ થયો પણ આપ સેવામાં હતા એટલે ફરીથી પાછી આ તમારી જે કાર્ય કરેલું છે એને બિરદાવીએ છીએ અમે. હવે આપણી વચ્ચે યુટ્યુબ પ્રસારણ જે થયેલું છે તેમાં શ્રી દીપભાઈ જોશી પધારો અને તેમની સાથે આજની જે કોમેન્ટ્રી સંભાળી છે રોનકભાઈ અને તેમની સાથે દીપભાઈની સાથે બીજા સહ જે અમ્પાયર હતા ધવલભાઈ જોશી, એ પણ ત્રણેય ભાઈઓ પધારો, ભારત વિકાસ પરિષદ આપનું સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છે. હું રમેશભાઈ
યુવા સંયોજક શ્રી દિવ્યેશભાઈ, આ તમામને વિનંતી કે ફાઇનલિસ્ટ ટીમ આવી જાય. દિવ્યેશભાઈ અને ચિરાગભાઈ પણ એમાં જોડાશે. ફાઇનલિસ્ટ ટીમને એવોર્ડ આપવા માટે અને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ મિત્રો, આપણે ચીયર અપ કરીએ. સંકલ્પ બોલ કે હમ તો નિકલ પડે, હરદ્વાર ખોલ કે ગગન કહે વિજય ભવ, વિજય ભવ. જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ. કરશનભાઈ પ્રાંતના સંગઠન મંત્રી, હવે હવે આ તકે હેલો પોરબંદર શાખાને